न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज भव्य दिन है, दिव्य दिन है और आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। निश्चित ही मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे अपडेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आपको देने वाले हैं। बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर चुकी है और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपनी तमाम तैयारियों को पूरा करता हुआ चुकी। सीधी तस्वीर सबसे पहले हर हलचल आप तक पहुंचाने का वादा आज न्यूज 18 करता है। बिल्कुल, और आज क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा ये भी हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। ये मेगा कवरेज, महा कवरेज शपथ ग्रहण समारोह की सबसे पहले आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखेंगे। विष्णुदेव साय आज सीएम पद की शपथ लेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और इसको लेकर पूरे मैदान में तैयारियां कर दी गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। दोनों ही राज्यों के डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। तो आज जो है वो सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तो पहले से क्लियरेंस है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों ही राज्यों में। बड़ी बात यह है कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरों को जगह मिलती है, किसको कौन सा प्रभार दिया जाता है। एक और बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम में जो हलचल लगातार चलती आ रही है कि क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दो डिप्टी सीएम होने वाले हैं, डिप्टी सीएम क्या मध्य प्रदेश में होगा भी, इस चीज से भी आज पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा। बड़ी बात यह भी कि कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी क्या कोई बड़ी फेरबदल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करती है। अनुभवी चेहरों और नए चेहरों का क्या मेल बीजेपी की तरफ से आज स्पष्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कई खास मेहमानों की मौजूदगी और इसीलिए तैयारियां भी आज बेहद खास है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं दोनों ही जगहों पर कार्यक्रम, और दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी के लिए तमाम कोशिशें। सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश में होंगे, दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ में पीएम होंगे, वहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल, और आज कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में ये भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि मोहन के मंत्री कौन होंगे, वो संभावित चेहरे, क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मोहन यादव के मंत्रिमंडल के चेहरे तलाशने की भी तैयारी है। क्योंकि बड़े नेताओं से प्रारंभिक चर्चा करने के बाद यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महामंत्री भी यहां दिल्ली जाएंगे, ये खबरें सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले कौन होगा मोहन का मंत्री, कौन मोहन के मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये वो संभावित चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं जो मोहन की सेना है और ये शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। लगातार हर तस्वीर आप लोग आपको दिखा रही है, लेकिन उन बड़े चेहरों का जिक्र करना भी जरूरी है जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह भी शामिल होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है, प्रचंड बहुमत हमें मिला है, ये जीत मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित है। और इसके साथ ही नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी आज आ सकते हैं, मध्य प्रदेश शामिल हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि फार ब्रांड नेता है और उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के शामिल किया गया था, वो भी दिखाई दे सकते हैं। भूपेंद्र पटेल भी दिखाई दे सकते हैं जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी आज शामिल हो सकते हैं। कोनराड संगमा मुख्यमंत्री मेघालय के भी आज शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, अजित पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, कई बड़े चेहरे, कई बड़े दिग्गज आज अवंतिका शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे। ये वो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह नजर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कतार आपको अंशिका ने समझा दी कि कौन कौन से खास मेहमान मौजूद रहने वाले मध्य प्रदेश को लेकर। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की कतार है और कतार वैसी ही संभावित मंत्रियों को लेकर भी नजर आती है। कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे जो कि संगठन के लिए काम करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, उसके बाद क्या कैबिनेट में जगह मिलती है, डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी संशय, और जितने बड़े बड़े नेता केंद्र में अपने पद इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एंटर हुए हैं, क्या कैबिनेट में जगह मिल पाएगी, ये एक और प्रमुख प्रश्न है। क्योंकि जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया तो यह माना गया कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री की रेस के लिए सबसे प्रमुख चेहरे को चुना जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोहन यादव का नाम सामने आया, सवाल एक और था कि प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम दिग्गज अब मध्य प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार से अपना रोल अदा करेंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी यही हलचल है।
अरुण साहू को लेकर भी इसी प्रकार की चर्चा, बहुत अच्छे से संगठन के लिए काम करते आए। ओपी चौधरी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इन दिग्गजों को कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी बीजेपी कर रही है? क्योंकि इस बार लगातार ऐसे डिसीजन जिससे भारतीय जनता पार्टी चौंकाती हुई आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर जो संचय की स्थिति है वो आज आपके सामने क्लियर होगी। और बड़ी बात ये भी कि जनता के बीच अंशिका एक्सेप्टेंस कैसे होता है। मामा का प्यार आपने देखा और मामा के लिए प्यार आपने देखा। और देखिए, न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है कि कौन कौन से वो खास मेहमान है जो आज मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। नीचे हम फ्लैश कर रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी आज शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण में। मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो सुबह 11:25 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही समारोह में 11:30 से 12:30 के बीच वो मौजूद रहेंगे। लगभग 1:30 बजे के करीब वो रायपुर के लिए फिर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे सीएम पद की, इसीलिए भी वो वहां पर शामिल। वादा जो किया था प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से कि वो यहां पर आएंगे शपथ ग्रहण में और वो उन्हें भी आमंत्रित करते हैं, इसीलिए यहां पर मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे, रायपुर के लिए वो फिर रवाना हो जाएंगे। तो शपथ ग्रहण के वो खास मेहमान आपको हम दिखा रहे हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं, शपथ ग्रहण स्थल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले शैलेंद्र चौहान, आपके पास की आज किस तरह की तैयारियां हैं शपथ ग्रहण स्थल पर, क्या हालचाल है? शैलेंद्र चौहान अभी नहीं जुड़े, भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र भदौरिया, आप इस वक्त सीएम हाउस के पास मौजूद हैं, यहां क्या हलचल है? क्योंकि आज देखिए दिव्य और भव्य दिन है शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेने वाले, मैं इस वक्त वीआईपी गेस्ट हाउस पर मौजूद हूं जहां पर वो रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री पद की आज वो शपथ लेने जा रहे हैं, लगभग 12 बजे ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तमाम जो समर्थक हैं उनके जुटने का सिलसिला जो है अब वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं, हालांकि बेहद कम समय मिला था, 2 दिन का ही समय रहा बीजेपी के पास, 2 दिन में ये तैयारियां पूरी की गई है। तो ऐसे में लाल परेड ग्राउंड पर एक पूरा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो दिग्गज नेता है वो इनके शपथ ग्रहण समारोह शामिल होने जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, उनसे जानेंगे कहां से आए वैसे और किस तरह का उत्साह है आपके बीच के एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। हम झाबुआ जिले की पेटलाद विधानसभा से आए हैं और चूंकि उज्जैन हमारे बहुत नजदीक में है और मोहन जी यादव बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता रहे, विद्यार्थी परिषद से, और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत आनंद का पल है कि आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको क्या लगता था, लगता था कभी एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा पद दे देगी बीजेपी? बिल्कुल नहीं लगा था हमको ऐसा। बाकी उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति को पहचाना, अंदरूनी जो उनकी ताकत है उनको पहचाना संगठन ने और उनको मौका दिया। आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के इस फैसले को, क्योंकि आम कार्यकर्ता के तौर पर वो काम कर रहे थे, सीधा मुख्यमंत्री बना दिया? देखा जाए तो बीजेपी वास्तव में चमत्कार पार्टी, एक छोटे से कार्यकर्ता को कहीं से अर्थ से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विशेषता है, जैसे अदर पार्टी में जैसे परिवारवाद और इन चीज़ों को, यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अर्श पर जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विशेषता है। तो अंशिका देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, अगर सिक्योरिटी सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ कर ली गई है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि आशाएं और आशंकाएं आज कई सारी हैं। सीधे आपको अब छत्तीसगढ़ भी लिए चलेंगे, पहुना से हमारे एक और योद्धा युगल तिवारी जुड़े हुए हैं। युगल, एक एक अपडेट को लेकर आपसे हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, युगल पहुंचेंगे आपके पास, उससे पहले आकाश के पास भी लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह जिस जगह पर होना है वहां पर मौजूद है आकाश शुक्ला। आकाश बताइएगा वहां पर नजारा क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि आज तमाम खास मैदान में जो दिग्गज है वो नजर आने वाले हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पंडाल भव्य तरीके से सज चुका है और मंच में अब कुछ ही काम ही बाकी है जो अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं सीधे किस तरीके से कर्मचारी जुटे हुए हैं, शपथ ग्रहण समारोह का ये मुख्य मंच है जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विष्णुदेव शाह यहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ लेंगे, गरिमामय उपस्थिति होगी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम देश भर से लोग
लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर भी दिखाइए जहाँ पर लोग मौजूद होंगे, हजारों लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल काफी यहाँ पर तैनात है। सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मंच ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से पद की शपथ लेने वाले हैं आज, और इसके लिए तैयारी भी भव्यता के साथ की जा रही है। पूरी तैयारी लगभग अब पूरे होने की ओर है। जी बिल्कुल आकाश, आप दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या तैयारियां हैं। शरेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार साथ जुड़े हुए हैं, हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त भोपाल की। युगल भी साथ जुड़े हैं। युगल, आपके पास, आप पहुना से इस वक्त जुड़े हुए हैं, यहां पर क्या हालचाल है? क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जिसका इंतजार अभी एक दो घंटे का, तीन घंटे का और इंतजार है, लेकिन उसके बाद कई दिग्गज आज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। जी देखिए, मैं पहुना की सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। दूर दराज से तमाम लोग आए हैं, हाथों पर गुलदस्ता लेकर के आए हैं। आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इसे लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे विधानसभा से हैं जी, तो हम लोग तो बहुत खुशी है। वहाँ बगिया में किस तरह की स्थिति है? पूरा वहाँ माहौल एकदम नाच गाना चल रहा है जिस दिन से घोषणा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जो रेस में नहीं था आज वो चर्चा में है, तमाम ऐसे लोग हैं। अब बताइए कहाँ से आए हैं? मैं खरसा से आया हूँ सर। अच्छा, बिजनेस व्यवसाय, हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, उनके उनसे शायद उठना बैठना अच्छा है जी। और हम और भी बहुत से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए? खरसा, रायगढ़ से। अच्छा, ये मैं सुना हूँ बस्तर से भी आप लोग आए हैं, क्या कहाँ से आए आप लोग? खरसिया वाले हैं। और इधर ये देखिए, दूर दराज सुदूर वनांचल से, बस्तर कोंटा से आए हैं। आप बताएं, आज मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़, क्या कहेंगे? आगे उसको स्वागत करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीद, किस तरह के विकास होगा, क्या उम्मीद है? हम लोग विकास करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग, हमारा जो नेता बना है, हमारा आदिवासी का नेता बना है, हम लोग बहुत खुशी है। तो युगल यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लोग गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, ये उनका प्यार है और ये जो उनकी डिसेंसी है वो भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन आकाश, इससे पहले हमने चुनाव के समय बीजेपी के प्रचार प्रसार में मंच के आगे एक स्लोगन देखा था जिसमें लिखा था, आओ नई सहिबो बदल के रहिबो, और अब हम ही सवारेंगे वाला स्लोगन, कितना अंतर है और कैसे सजावट की जा रही है, कितने लोगों की क्षमता है पूरे ग्राउंड में, उस ग्राउंड को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए वो अंतर तो अब काफी है और वो नजर आ रहा है कि अब नहीं सही वो बदल करी वो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था जब वो प्रचार के लिए पहुंच रहे थे। जहां भी मंच से जा रहे थे वो यही नारा दे रहे थे। कारण यही था कि छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलनी है और विकास की मुख्य धारा से छत्तीसगढ़ को जोड़ना है, विकास करना है। अब ये नारा दिया जा रहा है, हम सीधे कहेंगे कि मंच पर वो तस्वीर दिखाइए, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ गठन में अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख योगदान था, उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनके बनाने में योगदान था, भाजपा का योगदान था, तो सवारने में भी उसका उनका योगदान रहेगा। शायद इसीलिए ही ये स्लोगन दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 15 साल तक जो है भाजपा की सरकार रही थी, 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा के रहे थे, इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास हुआ था, छत्तीसगढ़ में कई सारी चीजें बनी थी, एम्स का निर्माण हुआ था, इसके साथ ही कई इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण हुए थे, स्कूल के निर्माण हुए थे, सड़कों सड़क की व्यवस्था जो है सुदृढ़ हुई थी। तो अब फिर एक बार कांग्रेस 5 साल सत्ता में रही, कहीं ना कहीं उन्होंने भी काम किया, लेकिन अब 2023 में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है, अब विकास को फिर एक दिशा देने की बात कह रहे हैं। तो यही है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, कि संवारने का ये स्लोगन है। और ये मंच की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे किस तरीके से पूरा पंडाल, भव्य पंडाल लोगों के स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है, पुलिस बल तैनात है, केंद्रीय बल यहाँ पर लगाए गए हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, आकाश की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ सवरेगा भी। लगातार इसे लेकर नजरें बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश की जो हलचल है वो भी हमारे सहयोगी आप तक लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
मंदसौर आपको लिए चलेंगे। अब नरेंद्र रौंती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, मंदसौर वासियों में गजब का उत्साह निश्चित तौर पर होगा, शपथ ग्रहण समारोह में खास नजारा भी वो देखेंगे। नरेंद्र जी, बिल्कुल, इतना मंदसौर में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले आपको बता दूं कि मंदसौर आपके पास भी, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता भोपाल रवाना हो चुके हैं, इसे लेकर जानकारी उज्जैन से। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र, मोहन यादव के अपने विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण से तमाम कार्यकर्ता लगातार भोपाल की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि उनके नेता को, एक ऐसे प्रतिनिधि को जो पिछले फेस की रेस में नहीं था, उसे यहां पर देखे। एक बार फिर से मंदसौर लिए चलते हैं आपको, सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नरेंद्र, अब अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ मंदसौर का जो अविभाजित जिला है, जिसमें मंदसौर से अलग हुआ नीमच, यहाँ से पहले सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अब जगदीश देवड़ा की बारी है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बनने जा रहे हैं और आज शपथ लेंगे। मैं अभी खड़ा हूँ जगदीश देवड़ा के निवास स्थान पर, और आप पीछे देख सकते हैं कि उनके यहाँ उनके परिवारजन तो सारे भोपाल पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ जो व्यवस्था देखने वाले हैं, जश्न की तैयारी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जगह जगह आतिशबाजी की जाने वाली है, वहां पर मिठाइयां बांटने वाली है, और जगदीश देवड़ा के यहां पर जो उनके सहयोगी है, उनके यहां पर व्यवस्था देखते हैं कितनी जश्न की तैयारी है। क्या क्या बताया साहब ने आपको यहां पर मिठाई बांटने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए? आतिशबाजी हमने तैयारी कर रखी है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारी इच्छा है भगवान का इतना शानदार हो, जश्न बहुत शानदार बनेगा। सभी की यही इच्छा है कि जश्न बहुत शानदार बने, और मेरे पास जो पूरे विधानसभा क्षेत्र से और पूरे जिले से जो खबरें आ रही है, उसमें जगह जगह आज आतिशबाजी होगी। जैसे ही जगदीश देवड़ा शपथ लेंगे, वैसे ही यहां पर आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल, 1993 में पहली बार विधायक बने जगदीश देवड़ा, और आज डिप्टी सीएम के तक का सफर उनका, ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। शैलेंद्र भदौरिया भी क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शैलेंद्र चौहान भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं शपथ ग्रहण स्थल से मध्य प्रदेश में। शैलेंद्र चौहान, इस वक्त आप शपथ ग्रहण स्थल पर मौजूद हैं, तस्वीरों के साथ दिखाइए तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। देखिए, बिल्कुल, हम यहाँ शपथ ग्रहण जो समारोह होना है वहां पर मौजूद है, और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर स्वागत द्वार दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही वो मार्ग है जहाँ पर पीएम का काफिला जाएगा, शपथ लेने वाले सभी मंत्री और सभी जो नए सीएम शपथ लेंगे डिप्टी सीएम दोनों, वो यहीं से जाएंगे। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है, और मुस्तैदी के साथ पुलिस ड्यूटी हुई है यहाँ पर, और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। अभी कुछ देर का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट है, और सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी है। और ये बड़ी खबर हम दिखा भी रहे हैं, स्टेट हैंगर पर सजावट की गई है, बीजेपी के झंडे और योजनाओं के पोस्टर लगे हैं। शैलेंद्र, आप दिखा भी रहे हैं शपथ ग्रहण में पीएम मोदी क्योंकि शामिल होंगे, तो बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हैं दिग्गजों के स्वागत के लिए। एक बार फिर से शैलेंद्र, पोस्टर्स दिखाइए, बैनर्स दिखाइए जो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक तरह से हम समझ सकते हैं ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि अवंतिका भी कह रही थी कि छोटे से छोटे इवेंट को भी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करती है बीजेपी। एक बार पोस्टर जरूर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल, बड़े आदमकद आपको कटआउट नजर आ रहे होंगे, जिसमें टॉप लीडरशिप है जो मध्य प्रदेश की, यहां देखा जाए केंद्र की भी जो है, पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, और नए सीएम जो आज शपथ लेंगे मोहन यादव, वो भी नजर आ रहे हैं, अमित शाह। तो सभी नेता यहां पर आपको बड़े कटआउट नजर आ रहे होंगे, और यहाँ इधर भी अगर हमारे बाएं तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी बड़े आदमकद कटआउट होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, वो सभी नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरा देखिए, ये सभा स्थल जो है पूरा होर्डिंग्स और कटआउट से यहाँ पटा पड़ा है। सभी नेता यहाँ पर एक साथ, एक सामूहिक मैसेज दिया जा रहा है एकता का, कि भाजपा की लीडरशिप कोई भी फैसला ले, लेकिन सारे नेता एकजुट है,
भाजपा की अनुशासन की यही ताकत है। यह एक मैसेज भी इससे मिलता है कि सब जब फैसला होता है तब एक अलग स्थिति होती है, और फैसला होने के बाद सामूहिक रूप से सारे नेता खड़े नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको सारे टॉप लीडरशिप नजर आएगी। हम आपको एक और नजारा दिखाते हैं, जो हेलीपैड है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां 11 बजे वो भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और उसके बाद यहां पर सभा स्थल पर जो हेलीपैड बने शैलेंद्र चुकी हर एक गतिविधि पर नजर, और हमारा हर एक योद्धा तैनात है जमीनी स्तर पर, हर एक हलचल को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करें। बड़ी बात यह भी है कि जो भव्यता के साथ तैयारियां हो रही, उसके बाद धरातल पर उतारने का प्रयास बीजेपी की तरफ से होगा। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये मेगा कवरेज लगातार जारी है छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक, तमाम हमारे योद्धा ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।